नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं। और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 8 राशियों की तुलना। इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज के लिए सूत्र, चक्रवर्ती ब्याज का वार्षिक एवं अर्धवार्षिक संयोजन और इस पर आधारित उदाहरण। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न। तो शुरू करते हैं प्रश्न पहला। देखिए क्या दिया गया है। पहला प्रश्न, देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए, इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं। तो पहला पार्ट देखिए, ए 10,800 पर 3 वर्ष के लिए 12.5% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवर्ती ब्याज और कुल राशि दोनों आपको ज्ञात करनी है। कुल राशि मतलब मिश्र धन। तो आपने मिश्र धन का सूत्र याद किया था, क्या होता है देखिए उससे हल करेंगे। हल क्या क्या दिया गया है। पी मूलधन कितना है 10,800, टी टाइम कितना है 3 वर्ष, और दर आर रेट कितनी है 12.5%। 12.5 को क्या लिख सकते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2%। क्लियर। वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित है, तो ए का सूत्र मिश्र धन, ए अमाउंट बराबर क्या सूत्र होता है, पी 1+R/100(n). सबके मान रख देते हैं। तो देखिए ए बराबर पी का मान कितना है 10,800 1+R, दर कितनी है 25/2 और बटे में 100 और है, पावर n कितना है 3 वर्ष, ये कर दिया 3। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे और हल करेंगे। देखिए ए बराबर 10,800 है ही, ये हो गया नीचे एलसीएम आ गया 200, यहाँ कुछ नहीं है मतलब बटे में 1 है, 200/1 किया तो 200 आया और 200×1 किया तो यहाँ आ गया 200, और ये है प्लस 25 इसकी पावर 3। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 10,800×225/200, 200+25 किया तो 225 कितनी बार है, ये पावर 3 है, तो 225/200 आप कितनी बार लिखेंगे 3 बार। क्लियर। कुछ कट रहा है तो काटते हैं, 5×20 और 0, 5×20 5×5 25, फिर देखिए 5×20 0, 5×20 और 5×5 25, यहाँ भी वैसे ही कट जाएगा। आगे देखते हैं और कुछ कट रहा है, 1 2, ये 1 और ये 2, ये देखो 4 कटता है क्या, 4×2 8 28 हो जाएगा, तो 7×4 28 आ रहा है, ये कट गया 4। आगे देखते हैं और कुछ कट रहा है, ये है 40, तो इसको 5 से काट सकते हैं, 5×8=40 और ये हो जाएगा 5×9=45। और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, तो गुणा करना होगा आपको, क्या है यहाँ पर 27 और यहाँ है 9, यहाँ है 45, एक और 45, और भाग में क्या बचा है 8×32। क्लियर, बस यही है। तो इसमें आपको गुणा करना होगा, देखिए ए बराबर 45×45, फिर जो उत्तर आएगा उसका गुणा करोगे 27 से, फिर जो उत्तर आएगा उसका गुणा करोगे 9 से, और फिर भाग लगाओगे आप 32 से। देखिए 45×45, 5×20 और 2×22, 4 से किया 5×20, 2 हासिल, 4×16 17×18 कितना आ गया 5×2 8×2 10 2025। इसके अंदर फिर गुणा करना होगा 9 का, 9×5=45, 9×2 18 और 4×22, 9×2 18। इसके अंदर किसका गुणा करना है अब आपको, 27 का। तो देखिए 27
7 5 35 3 बज गया 7 दूनी 14 और 3 17 7 दूनी 14 और 1 14 और 1 15 1 7 तो 56 और 1 57 5 बज गए 7 एकम 7 और 5 12 2 से करेंगे 5 दूनी 10 2 दूनी 4 और 1 5 2 दूनी 4 8 दूनी 16 2 एकम 2 और 1 3 ऐड करते हैं 5 7 5 और 5 10 7 और 4 11 और 1 12 6 7 8 9 3 और 1 4 ये आया 492075 492075। इसमें भाग किसका लगाना है, अभी आपको 32 का भाग लगेगा। तो हल करते हैं, देखिए इसमें भाग लगाया 32 का, क्या आता है देखिए 32 एकम 32 कितने बज गए 7 9 में से 2 गए तो बचे 7 4 में से 3 गए तो 1 नीचे आ गया 2 172। अब 32 की टेबल तो आपको आती नहीं है, तो आप क्या कर लेंगे, गुणा करके देखते हैं। तो 32 गुणा किया 4, कितना आ रहा है 4 2 8 4 3 12 कम है, आगे बढ़ते हैं 32 गुणा 6 करते हैं 6 2 12 6 3 18 और 1 19 192। ये ज़्यादा हो गए, तो 32 गुणा 5 करते हैं 5 2 10 5 6 15 और 1 16 तो आ रहा है 5 से 160। कितने बज गए 12 बज गए, क्या उतरेगा नीचे 0, तो 6 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा। 32 गुणा 3 कितना होता है 3 2 6 3 3 9 96 32 3 96 कितने बज गए 10 में से 6 गए तो बचे 4 और यहाँ हो गए 11 में से 9 गए तो 2। अब क्या उतरेगा 7 247 हो गया। देखिए किसका जाएगा 36 गुणा 7 करके देखते हैं 32 गुणा 7 7 2 14 7 21 और 1 22 224 हो रहा है, तो ये जाएगा 7 से 224 कितना बच गया 3 और 2 फिर उतरा 5 235 हो गया, फिर जाएगा ये 7 से तो ये आ गया 224 कितना बच गया 5 में से 4 गया तो 1 3 में से 2 गया तो 1 पॉइंट आया और लग गया 0 पॉइंट आके 0 लगा तो यहाँ आ गया 110। अब 110 तीन बार जा रहा है 96 आता है 3 बार 96 10 में से 6 गए तो बच गए 4 फिर 10 में से 9 गया तो बच गया 1 फिर 0 लग गया ये हो गया 170 तो ये जाएगा 5 का। तो ये उत्तर आ रहा है आपका 15377.35। ये आपको क्या मिला है, ये रफ वर्क है यहाँ से यहाँ तक 15377.35 ये तो आपके पास आया है मिश्र धन। और आपसे पूछा क्या था, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करिए, तो चक्रवर्ती ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू क्या होता है मिश्र धन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल P मूलधन। तो CI इज इक्वल टू A - P आपने पढ़ रखा है, तो मान रख दीजिए क्या है ये 15377.35 माइनस कितना है ये 10,800 माइनस कर सकते हैं आप 0.35 ऐसे ही आ जाएगा पीछे 7 में से 0 गए तो 7 फिर 7 में से 0 गए तो 7 फिर क्या हो गया यहाँ पर 13 में से गए 8 5 बज गए और यहाँ हो गया 4 तो कितने रुपीज़ आए कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवर्ती ब्याज 4577.35। समझ में आया, आपको सिर्फ ये सूत्र याद रखना है और सूत्र में मान रख के हल करना है, क्लियर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्या दिया गया है देखिए 18,000 पर 2.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो हल देखिए इसका हल, अब यहाँ पर पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है, P मूलधन कितना है 18,000, T 2.5 वर्ष और रेट R 10%, क्लियर। अब यहाँ देखिए ये है 2.5 वर्ष, तो अपन जो मिश्र धन का सूत्र है A इज इक्वल टू P इंटू 1+R/100 n, तो n अपन क्या करते हैं पूर्णांक में लेते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस 2 वर्ष के लिए मिश्र धन निकाल लेंगे
और ये मिश्र धन अगले आधे वर्ष के लिए मूलधन बन जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज के सूत्र से ब्याज निकालेंगे। क्लियर, करते हैं हल। ए बराबर पी वन प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, पहले दो वर्षों के लिए क्या निकल रहे हैं अपन, मिश्र धन ए, तो क्या आ जाएगा, पी का मान है 18,000, वन प्लस आर कितना दिया है 10%, तो 10/100 पावर हो जाएगी 2, कितना आ जाएगा ये 18,000 इंटू 110/100, कितनी बार लिखना होगा 110/100 पावर 2 है इसलिए 2 बार, कुछ कट रहा है तो काटते हैं, ये 2 0 से 2 0, ये 1 0 से ये 1 0 और ये 1 0 से ये 1 0, कितना आ गया 18 × 11 = 121 और 1 0। हल करते हैं आगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 121 × 18 करते हैं हल। 8 × 18 = 18, हासिल 1, 18 × 2 = 36 और 1 = 37, हासिल 3, 18 × 18 और 3 = 21 और 1 0 और आ जाएगा ये वाला 0, तो देखिए क्या उत्तर आएगा 2 1 7 8 0। ये तो अपना क्या निकला है, पहले 2 वर्ष के लिए मिश्र धन निकला है। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, इसलिए CI बराबर कितना हो जाएगा A - P। A कितना है 2 1 7 8 0 माइनस 18,000 है मूलधन, 18,000 माइनस करते हैं, देखिए 0, 8 में से 0 गए तो 8, 7 में से 0 गए तो 7, 11 में से 8 गए तो 3 और 1 में से 1 गए तो 0, तो कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज 3,780 रुपये। अब क्या करना है आपको, अगले आधे वर्ष के लिए, अगले आधे वर्ष के लिए सरल ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज उसको क्या बोलते हैं, SI बराबर कितना हो जाएगा P, P की जगह क्या आ जाएगा, अब जो 2 साल बाद मिश्र धन निकला है, ए अमाउंट निकला है, वह आगे के वर्षों के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन, तो P की जगह आप क्या लिखेंगे 2 1 7 8 0 × R, रेट तो वही है 10% गुणा समय, समय क्या है आधा वर्ष, तो क्या लिख देंगे 1/2 और सूत्र का सो तो आता ही है नीचे, ठीक है। आगे हल करते हैं, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, 2 से कट रहा है, 2 × 2 = 0, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, तो कितना आएगा 1089 रुपये। ये है आधे का, आधे वर्ष के लिए ब्याज, इसलिए कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, कुल चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ये वाला तो निकला था 2 वर्षों के लिए 3780 प्लस 1089, कितना हो जाएगा रुपए में आएगा उत्तर, ये 9 8 × 8 = 16, हासिल है 1 7 × 1 = 8 3 × 1 = 4, 4869 रुपये कुल ब्याज है। और कुल राशि अगर निकालनी है, कुल राशि या मिश्रधन, कुल राशि कितनी देनी पड़ेगी या मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद तो इतना मिश्रधन था, कितना 2 1 7 8 0, इसके अंदर ये वाला ब्याज ऐड हो जाएगा 1089, तो क्या आ जाएगा 9 8 × 8 = 16, हासिल आई 1 7 × 1 = 8, 1 × 1 = 2 और ये 2, तो कितने लौटाने पड़ेंगे 18,000 की जगह 22,869 रुपये। क्लियर, समझ में आया, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया गया है देखिए, 62,500 पर 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो देखिए हल, पी कितना दिया गया है यहाँ पर 62,500, टाइम टी कितना दिया गया है 1.5 वर्ष, अब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है मतलब समय को क्या करते हैं दुगुना, 1.5 वर्ष है तो 1.5 का दुगुना 3,
और तीन क्या, तो तीन छह माही, तीन में कितनी छह माही बनेगी, डेढ़ वर्ष में कितनी छह माही बनेगी, तीन। और दर, दर को क्या करते हैं, रेट, 8%। दर कितनी हो जाती है, 8% वार्षिक है, तो आर बराबर 4% क्या हो जाती है, अर्ध वार्षिक ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक करना होता है, तो दर आधी समय दुगुना। अब आप सूत्र लगा सकते हैं, तो इसलिए कितने, डेढ़ वर्ष के लिए है, तो यह है 3 6 माही के लिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी 1 + R/100 n, पी की जगह 62,500, 1 + R कितना हो जाएगा, 4/100, और n की जगह आ गया 3। क्लियर है, तो आगे हल करते हैं, ए बराबर 62,500 गुणा ये कितना हो गया, 104/100, कितनी बार लिखेंगे, 3 है पावर, तो 3 बार, 104/100 गुणा 104/100। क्लियर, कुछ कट रहा है तो काटते हैं, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, 5 से काटते हैं, 5 2 10 और 0, यहाँ कटेगा 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, यहाँ हो गया 20, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 4 20, फिर ये कटेगा, 5 4 20, और 5 ये कट गया। और कुछ कट रहा है, 2 से इसको काटें, या 4 से कटता है क्या, 4 1 4, 4 2 8, 2 बचे 24, 6 6 24, ये हो गए 6, फिर ये कट जाएगा 4 से, ये हो गया 26, तो ए बराबर कितना आ गया, 26 × 26 × 104। क्लियर, तो देखिए हल करते हैं, 104 × 26, 104 × 26, 6 6 24, 6 6 4 2 8, 0 2 1 2, कितना आ गया, 8 2 10, 6 1 7 2, 2704। आगे और एक 26 का गुणा और करना है, 6 6 24, 7 6 42, 4 6 2 12, 12 4 16, 2 से करेंगे, 4 2 8, 0 7 2 14, 2 2 4 1 5, कितना आ गया देखिए, 4 8 2 10, 2 1 3, 6 4 10, 5 6 1 7, कितना आया, 70304, ये है अमाउंट। तो मिश्र धन आ गया आपके पास 70304 रुपीज़। अब आपको पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, इसलिए चक्रवर्ती ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, ए माइनस पी, मिश्र धन कितना है 70304 माइनस मूलधन, मूलधन कितना है 62,500, माइनस करते हैं, 4 में से 0 गया तो 4, 0 में से 0 गया तो 0, 3 में से 5 नहीं जाते तो क्या करेंगे, 13 में से 5 गए तो 8, ये हो गया 9, 9 में से 2 गए तो 7, और फिर ये हो गया 6 में से 6, तो चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 7,804 रुपये। प्रश्न समझ में आया, क्या करना है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। डी, देखिए क्या दिया गया है, 8,000 पर एक वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर आपको चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे हल, ये तो दिया गया कि आप सत्यापन करने के लिए क्या कर सकते हैं, साधारण ब्याज के सूत्र का उपयोग करते हुए एक के बाद एक दूसरे वर्ष के लिए परिकलन कर सकते हैं। अपन को सूत्र याद है, अपन सूत्र से कर रहे हैं। अगर आप सत्यापन करना चाहते हैं तो सरल ब्याज के सूत्र से भी आप हल करके देख सकते हैं। क्लियर, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पी रुपीस 8,000 पर एक वर्ष, टी कितना है एक वर्ष, दर रेट कितनी है 9%, वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हैं तो क्या हो जाता है, टी जो समय है वह तो दुगुना हो जाता है, इसलिए टी बराबर कितना हो जाएगा, 2 6 माह हो गए, और रेट कितनी हो गई, आधी 9/2%। तब आपको क्या ज्ञात करना है, और चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, तो सबसे पहले अपन मिश्र धन ज्ञात करते हैं, तो देखिए इसलिए ए बराबर 8,000, पी 1 + R की जगह हो गया 9/2,
और ये सूत्र का सो पावर एन, एन की जगह आपके पास है दो, वो हल करेंगे। देखिए ए बराबर कितना हो गया, 8000, 200 एलसीएम लिया तो ये हो गया 200 प्लस 9, 209 बटा 200 और इसकी पावर है 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए बराबर 8000 गुणा 209 बटा 200 गुणा 209 बटा 200। आगे हल करिए, कुछ कट रहा है क्या, ये 20 से 20, ये 10 से 10, 2 से कटा 2 चौक 8, ये हो गया 10, ये भी कट गया 2 दूनी 4, तो ए क्या आ गया, इसलिए ए बराबर 2 गुणा 209 गुणा 209, करते हैं गुणा 209 गुणा 209, 9 गुणा 9 81, 8 बच गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 का 8, 1 आया तो यहाँ लिख दिया 2 दूनी 4, कितना आ गया 1, 8, 8 और 8 16, 3, ये आया a बराबर 43681। अच्छा इसके भाग में 10 भी है, इसके भाग में क्या है, 10 भी है, और ये तो अभी अपन ने 209 गुणा 209 किया है, अब गुणा करना है आपको 2 से, तो यहाँ ही करते हैं गुणा 2, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8, तो ये ए बराबर कितना आ गया 87362 अपॉन 10, तो 10 की जगह आप क्या लिखते हैं, पॉइंट लगा देंगे तो 8736.2 रुपये, तो ये क्या आ गया मिश्र धन, 8000 रुपये मूल धन था, मिश्र धन आ गया 8736.2, इसलिए चक्रवर्ती ब्याज या CI बराबर कितना होता है A माइनस P, तो 8736.2 माइनस 8000, तो कितने रुपए आ जाएंगे 736.2 रुपए या 736 रुपये 20 पैसे। क्लियर हुआ डी पार्ट, चलते हैं आगे, क्या है देखिए ई, 10000 पर एक वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर क्या क्या दिया गया, लिखते हैं हल, पी 10000 रुपये और टी एक वर्ष, एक वर्ष की जगह आप क्या लिख देंगे 2/6 माह और दर कितनी है, रेट 8% वार्षिक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4% अर्धवार्षिक, क्लियर, दर कर दी आधी, समय कर दिया दुगुना, तब ए बराबर कितना हो जाएगा मिश्र धन बराबर पी, पी की जगह कितना लिख दिया 10000, 1 प्लस आर, आर की जगह है 4/100, पावर कितनी है 2, क्लियर, हल करते हैं ए बराबर 10000 गुणा ये हो गया 104/100 गुणा 104/100, कुछ कट रहा है, ये 20 से 20, ये 20 से 20, तो ए बराबर कितना आ रहा है 104 गुणा 104, क्या होता है देखिए करते हैं, 104 को 104 से गुणा, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और क्या हो जाएगा 4 0 और 1, 6 1 4 और 4 8 0, तो यहाँ है 10816, ए बराबर 10816, तो 10000 तो मूलधन था, मिश्र धन आया 10816, इसलिए CI या चक्रवर्ती ब्याज बराबर क्या होता है A माइनस P, ये कितना है 10816 माइनस 10000, तो कितना हो जाएगा रुपीज़ 816 चक्रवर्ती ब्याज लगेगा, क्लियर, प्रश्न नंबर ई समझ में आ गया, चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 2, क्या दिया है देखिए, कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26415% वार्षिक दर से उधार लिया, तो लिखते जाते हैं अपन को क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ है हल, पी दिया गया है 26400 रुपये और दर रेट है 15% वार्षिक दर से उधार लिया, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है, 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, तो टाइम क्या दिया गया है टी 2 वर्ष 4 माह,
अब 4 माह को भी आपको वर्षों में बदलना होगा, तो क्या करते हैं, वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग लगाते हैं। तो टी कितना हो जाएगा, 2 वर्ष, 4 माह है तो 4/12, ये भी हो गया वर्ष में, तो कितना आ गया टी बराबर 2, सही, 4 एकम 4, 4 3 12, 1/3 वर्ष। क्लियर हुआ, माह को किस में बदल दिया, वर्षों में। अब आपको कैलकुलेट करना है चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि ब्याज क्या है, वार्षिक संयोजित होना है, तब उसे कितनी राशि, कुल मिश्रधन आपको बताना है कितने टाइम बाद, 2 वर्ष 4 माह बाद। तो सबसे पहले 2 वर्ष के लिए मिश्रधन निकालेंगे, फिर जो मूलधन प्राप्त, जो मिश्रधन मिलेगा वह आगे के 4 महीनों के लिए मूलधन बन जाएगा, और फिर सरल ब्याज के सूत्र से ब्याज निकालेंगे। समझ में आया, तो करते हैं हल। इसलिए ए बराबर 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए मिश्रधन निकाल रहे हैं, ए बराबर क्या होता है, पी, पी की जगह कितना हो जाएगा 26,400, 1+R, दर कितनी है 15%, और कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो देखिए 26,400 गुणा ये हो गया 115/100, कितनी बार लिखेंगे, 115/100 स्क्वायर है तो 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 0, यहाँ पर 5 दूनी 10, 1 बचा, ये हो गया 15, तो 5 दिया 15, फिर 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, ये आ जाएगा 23, यहाँ पर 5 दूनी 10, 1 बचा, 15 हो गया, तो 5 दिया 15, फिर 2 से काटते हैं, 2, यहाँ आ गया 1 3 2, फिर कट रहा है 2 से, तो ये कट गया 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, क्लियर। तो कितना हो गया 66 × 23 × 23, क्लियर। तो आप गुणा करते हैं 66 × 23, ये 66 × 23 क्या हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, 6 2 12, 6 2 12 और 1 13, 8 9 2 11, 3 4 5, 1 5 1 8, ये आया है 1 5 1 8 गुणा 23 का गुणा और बचा है अभी, तो करते हैं आगे 23 का गुणा, 1 5 1 8 गुणा 23, 8 3 24, 3 एकम 3, 4 5, 5 3 15, 3 एकम 3 और 1 4, 8 2 16, 2 एकम 2 और 1 3, 5 2 10, 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ गया 4 6 और 5 11, 5 और 3 8 और 1 9, 4 3, तो ये आया 34914 रुपीज़, ए बराबर, क्लियर। ये जो मिश्रधन आया है वह अगले 1/3 वर्षों के लिए मूलधन बन जाएगा, तो देखिए क्या करेंगे, अगले 1/3 वर्ष के लिए ब्याज, अगले 1/3 वर्ष के लिए ब्याज, सरल ब्याज निकालेंगे, सरल ब्याज का सूत्र आप जानते हैं, पी, पी की जगह यहाँ पर क्या लिखना होगा आपको, जो नया बन गया है 34914 रुपये, 34914 × 8, दर तो वही रहेगी, कितनी है दर 15%, तो ये आ गया 15%, टी टाइम कितना है, 1/3 वर्ष है, तो यहाँ लिखेंगे 1/3, और ये सूत्र का 100, क्लियर। कट रहा है तो काटते हैं, 3 5 15 होता है, और कुछ कट रहा है, 5 2 10 और 0, फिर 2 से कट रहा है, ये हो गया 10, यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, 2 7 14, 2 चौक 8, ये हो गया 11, 2 5 10, ये हो गया 14, 2 7 14, तो कितना आ रहा है 17457/10, 10 से भाग लगाना है मतलब ऊपर पॉइंट लगा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 1745.7 रुपये, क्लियर। अब आपसे पूछा गया था उसको कितनी राशि का भुगतान करना होगा, तो यहाँ तक तो निकला 2 साल का मिश्रधन, इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, अगले 1/3 वर्ष का ब्याज, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसलिए भुगतान की जाने वाली राशि वाली कुल राशि बराबर कुल राशि कितनी हो जाएगी, कितनी है पहले
34,914 रुपए प्लस 1745.7 जोड़ सकते हैं आप, तो जोड़िए, ये हो गया 7, 5 और 4 9, 4 और 1 5, 7 और 9 16, हाँ सिलाई 1, 1 और 1 2, 2 और 4, 4 और 2 6 और ये 3, तो कितनी आ गई 36,669 रुपये 70 पैसे। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या दिया गया देखिए, फेबिना ने 12,503 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, ये एक प्रश्न हुआ। और क्या दिया है, और राधा ने उतनी ही राशि उतने ही समय के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है, किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना है और कितना अधिक करना है। तो यहाँ पर दो, फेबिना और राधा, तो फेबिना ने तो लिया है साधारण ब्याज पर उधार और राधा ने लिया है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार, तो किसको अधिक ब्याज की राशि भुगतान करनी होगी वो आपको बताना है। तो दोनों के लिए निकालेंगे फिर तुलना करेंगे। तो देखिए हल सबसे पहले कर रहे हैं राधा के लिए, देखो पी कितना है 12,500, टी कितना है 3 वर्ष, और क्या दिया है दर, रेट कितनी है 12%, और कौन सा ब्याज है साधारण ब्याज, इसलिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये सूत्र है आपको याद है। तो पी का मान है, या पहले यहाँ सूत्र लिखो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये सूत्र होता है, तो मान रखने पे क्या हो जाएगा, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही बराबर, पी कितना है 12,500 इंटू आर, रेट कितनी है 12% इंटू टी समय है 3 वर्ष अपॉन 100, कितना हो जाएगा 125 गुणा 12 एकम 12, 12 दो निचोईस, 12 तीन 36, 125 गुणा 36 करते हैं, 125 गुणा 36 कितना आता है 5 अंक 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 एकम 6 और 1 7, 5 तीन 15 और 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, तो आ रहा है 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, ये आ रहा है 4,500 रुपये उसको ब्याज का भुगतान करना होगा, यदि 12,500 रुपये उसने उधार लिए हैं तो साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए कितना लगेगा 4,500 रुपये। अब आपको कैलकुलेट करना होगा, ये तो था, सॉरी ये था फेबिना के लिए, फेबिना, अब आपको कैलकुलेट करना है राधा के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे राधा के लिए, राधा के लिए, राधा ने चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया है, तो सूत्र आपको याद ही है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या क्या है, मूलधन उतनी ही राशि, मतलब इसके लिए भी पी है 12,500, उतने ही समय, इसके लिए भी टी है 3 वर्ष, और 10% वार्षिक, यहाँ पर दर चेंज है, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 10%, और वार्षिक संयोजन हो रहा है, तो सूत्र लगाते हैं ए बराबर पी, पी की जगह 12,500 1 प्लस आर कितना है 10 अपॉन 100, पावर कितनी है 3, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 12,500 गुणा 110 बटा 100, कितनी बार आएगा 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100 गुणा 110 बटा 100 3 बार, हल करते हैं, ये 20 से 20 कट गया, ये 10 से 10, ये 10 से 10 और ये 10 से 10, तो ए बराबर कितना आ रहा है 125, ये 11, 3 बार 11 का क्यूब आपको याद ही है 1331 बटे में है 10, हल करेंगे कितना आएगा, देखिए 1331 गुणा करना है 125 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, अब गुणा करना है 2 से, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, अब गुणा करना है 1 से 1331, जोड़ते हैं 5, 5 और 2 7, 6 और 6 12 और 1 13, 6 और 6 12
13 और 3 16, 3 4 5 और 1 6 और 1, तो ये आया है 16675 अपॉन 10, तो ये आ गया 16637.5 रुपीस। ये तो आया है मिश्रधन। आपको निकालना है ब्याज, इसलिए CI या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 16637.5 माइनस कितने उधार लिए थे, 12,500, कितने आ जाएंगे, 0.5 तो आएगा, और 7 में से 0 गए तो बच गए 7, 3 में से 0 गए तो बच गए 3, अब है यहाँ पर 6 और यहाँ 5 तो बच गए 1, फिर 6 और यहाँ है 2 तो ये हो गए 4, और 1 में से 1 गया तो 0, कितने रुपए आ गए, 4,137.50। और उसको फेबिना के हैं 4,500, तो ब्याज कौन ज़्यादा दे रहा है, फेबिना 4,500 है और इसके है 4,137.5। तो आगे क्या लिखना होगा, इन दोनों की तुलना भी करनी है कि कौन अधिक ब्याज का भुगतान कर रहा है, तो फेबिना अधिक भुगतान कर रही है, कितना कर रही है तो आपको माइनस करना होगा। देखिए आगे कितना भुगतान अधिक कर रही है, इसलिए फेबिना अधिक ब्याज दे रही है, तो कितना अधिक दे रही है, कितना, तो सिंपल इंटरेस्ट था उसका माइनस इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए कितना आया था उसका, 4,500 माइनस क्या कर देंगे, ये आया है 4,137.5, 4,137.5 माइनस करते हैं, यहाँ पर आपको जीरो लगाना पड़ेगा, अब 10 में से 5 गए तो बच गए 5, यहाँ हो गया 9 में से 7 गए तो 2, फिर ये हो गया 9 में से 3 गए तो 6, ये हो गया 4 में से 1 गया तो 3, तो 362.50 ज़्यादा भुगतान करना होगा फेबिना को। क्लियर हुआ, समझ में आया, चलते हैं अगले प्रश्न पर। सवाल नंबर 4 देखिए, मैंने जमशेद से 12,000 दो वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए, यदि मैंने ये राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता। तो यहाँ पर आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों से ब्याज निकालना है, राशि निकालनी है और दोनों में अंतर बताना है, तो करते हैं हल। देखिए हल पी कितना है, 12,000, टी कितना है, दो वर्ष, और दर रेट कितनी है, 6%। तो पहला तो आपको निकालना है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या हो जाता है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू सूत्र होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी का मान है 12,000 इंटू रेट कितनी है 6% इंटू टाइम कितना है 2 वर्ष अपॉन 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 12 और ये 6 दूनी 12, 12 × 12 आप जानते हैं 144 और ये 1 जीरो, या आगे लगाएंगे आप रुपीज़। यहाँ तक समझ में आया, अब देखिए आगे क्या पूछा है, ये तो आपने निकाला है साधारण ब्याज, अब आपको निकालनी होगी कुल राशि या मिश्रधन, इसलिए मिश्रधन, इसलिए मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है 12,000 प्लस ये कितना है ब्याज 1440, तो कितना हो गया कुल 0, 4, फिर 4, फिर 3 और फिर 1 रुपये। क्लियर, अब आपको पूछा है मैंने यह राशि 6% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली हुई होती तो मुझे कितनी अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता, तो अब आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या लिख देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या हो जाएगा, A बराबर P, P मूलधन कितना है यहाँ पर 12,000, 1 + R, R की जगह है 6% / 100, और कितने वर्ष के लिए 2, N की जगह आ गया 2, हल करते हैं 12,000 × 106/100 × 106
बटा 100। क्लियर? कुछ कट रहा है तो काटते हैं, ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये एक जीरो और ये एक जीरो। तो यहाँ आपको करना है 106 गुणा 106 गुणा 12। तो देखिए 106 गुणा 106 36, 6601 क्या आ गया, 11236। इसमें गुणा करना है आपको अभी 12 का। तो देखिए 12 चंग 72, 12 तिया 36, 36 और 7 43, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 4 28, 12 एकम 12 13 14, 12 एकम 12 और 1 13, कितना आ गया 134832/10 ओवर है, तो कितना आ जाएगा 13483.2। ये आया है मिश्र धन 2 वर्ष के बाद। क्लियर? तो 2 वर्ष के बाद कितना भुगतान करना होगा अगर चक्रवर्ती ब्याज पर उधार लिया है, तो 13483.2 रुपये का, और साधारण ब्याज पे लिया होता है तो कितना भुगतान करना होता, 13440 रुपये का। तो ज़्यादा कौन सा है, चक्रवर्ती ब्याज पर अगर उधार लिया होता तो, और कितना ज़्यादा है आपको अंतर निकालना है। तो आप देखिए क्या लिखेंगे, इसलिए चक्रवर्ती ब्याज पर लेने पर अतिरिक्त राशि कितनी हो जाएगी, माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो क्या है 13483.2 - 13440, माइनस किया तो ये आ गया 43.2 रुपये। प्रश्न समझ में आया, साधारण ब्याज से भी निकालना है और चक्रवर्ती ब्याज से भी आपको हल करना है और उन दोनों का अंतर बता देना है। तो प्रश्न 4 समझ में आ गया, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 5 देखिए क्या दिया गया है, वासुदेवन ने 12% वार्षिक दर पर 60,000 का निवेश किया। तो क्या क्या दिया है साथ में लिखते रहते हैं, पी 60,000, दर रेट 12%। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो ज्ञात कीजिए कि वह, पहला दिया है 6 महीने के अंत में, और दूसरे में दिया है 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा। तो 6 महीने के अंत में, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 6 महीने के अंत में और अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है ब्याज, तो 6 महीने मतलब कितनी बार संयोजित होगा, 6 महीने में एक ही बार संयोजित होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बराबर पी, पी की जगह है 60,000, 1+R। अब ये आर कितना हो गया, बराबर 6% अर्धवार्षिक हो गया, दर तो क्या हो जाता है, दर आधे समय दुगुना। अब समय तो यहाँ 6 महीने के अंत में बोला है, तो कितनी बार कैलकुलेट होगा ब्याज, एक बार ही होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रेट की जगह 6/100 पावर 1। हल करते हैं, ए बराबर कितना आ जाएगा, 60,000, ये हो गया 106/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। गुणा करना है आपको 6 का 6 गुणा 6 36 और 6 कम 6, ये पीछे 2 जीरो और है, कितना आ गया 63,600 रुपये का भुगतान करना होगा 6 महीने के अंत में। भुगतान नहीं, इसमें बोला है कि कितनी राशि प्राप्त करेगा 6 महीने के अंत में, तो 63,600 रुपये की राशि प्राप्त करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है इसका, 1 वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो 1 वर्ष के अंत में कितनी 6 माह हो गई, 2, तो यहाँ पर टाइम कितना आ गया, 2 6 माही। तब सूत्र क्या हो जाएगा, ए बराबर ये 60,000, पी की जगह 1+ रेट कितनी है, दर 6% है अर्धवार्षिक में, 6/100 और पावर कितनी आ जाएगी इसकी, 2। क्लियर? तो हल करते हैं, 60,000 × ये हो जाएगा 106/100, कितनी बार आएगा, अब स्क्वायर है तो 2 बार। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई,
106 गुणा 6 आपने कर रखा है, यह आएगा 636, ठीक है। 6 और 6 36 और 6 कम 6, इसमें गुणा करना है अभी 106 का, तो करते हैं गुणा 636 इंटू 106, 6 और 6 36, 6 3 18 21, 36 37 38, 6 3 6 जोड़ते हैं, 8 और 6 14, तो ये आ रहा है 67416 रुपए। तो यही पूछा था, एक वर्ष के अंत में कुल कितनी राशि प्राप्त करेगा, तो ये करेगा 67416 रुपीस। तो प्रश्न 5वां क्लियर हुआ, तो उम्मीद करती हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए, धन्यवाद।